राहुल देव जी हमारे साथ मौजूद हैं। राहुल देव जी, आप किस तरह से देखते हैं इस बात को कि पश्चिम बंगाल में जो गौतम लाहिड़ी जी कह रहे थे कि जफर इस्लाम साहब और बीजेपी ने जरूर ये मुद्दा सामने रखा और पश्चिम बंगाल में उन्होंने जो मैनिफेस्टो अपना सामने रखा उसमें बहुत से वादे किए, लेकिन उन वादों का जमीन पर असर होता नहीं दिखाई दे रहा है, आपका क्या आकलन है? कौन से वो मुद्दे हैं जो टीएमसी के पक्ष में गए? सुमेरा, दो तीन बहुत बड़ी बातें हैं। एक तो शुरू में आपने जो पूछा था कोविड का असर, मुझे निश्चित रूप से लगा कि बात के पांच छह सात आठ जो ये जो चरण हुए उनमें दक्षिण बंगाल में और जिसे प्रेसिडेंसी इलाका कहते हैं वहां पर जहां शहरी और मध्यवर्ग ज्यादा है वहां पर कोविड का असर हुआ और बीजेपी के वोटर जो उच्च वर्गीय ज्यादा हैं वो बाहर नहीं निकले और बाकी टीएमसी के वोटर ने जम के वोट डाला। दूसरी बात जो बहुत प्रमुख चीजें कुछ यहाँ पर दिख रही हैं पूरे बंगाल को देखते हुए कि बीजेपी के पास किसी बड़े स्थानीय नेता का अभाव था, उसके पास ममता बनर्जी के जमीनी जुड़ाव को जमीनी उनके उनके कद को टक्कर देने वाला एक भी नेता नहीं था और ना उन्होंने किसी ऐसे नेता को प्रोजेक्ट किया था। तीसरी बात कि बंगाल में बंगालियों के लिए उनकी जो एक क्षेत्रीय अस्मिता है, बंगाली अस्मिता है, वो एक बहुत ज्यादा प्रमुख तत्व है, बहुत बहुत प्रमुख भावना है और उस भावना को जिस तरह से ममता बनर्जी भूमिपुत्री होने के नाते व्यक्त करती थी, उनका जो उस स्तर पर जो जुड़ाव था, बंगाली अस्मिता की पहचान बन जाने का एक जो उनका रिकॉर्ड भी कह सकते हैं आप, वो बीजेपी के पास नहीं था। बीजेपी के नेता चाहे वो प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री हो या जो बड़े जाते थे, जो सबसे बड़े उनके चेहरे थे, वो वहां पर हिंदी में बोल रहे थे। हिंदी से शायद बंगाल में या तमिलनाडु हो या और केरल में आप जाएं जहां पर बहुत क्षेत्रीय अस्मिताएं, भाषाई अस्मिताएं बहुत मजबूत हैं, वहां पर हिंदी से काम नहीं चल सकता, वो जुड़ाव नहीं हो सकता। लेकिन उसके बावजूद बीजेपी ने जो हासिल किया है ये बहुत बड़ी छलांग है, इसको कम करके आंकना नहीं चाहिए। और बीजेपी ने यह सिद्ध कर दिया है कि वो अगले चुनाव में चुनाव जीतने और सरकार बनाने की स्थिति में आ सकती है, तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी पूरी तरह से एस्टैब्लिश कर लिया है। तीन सीटों से यहां तक पहुंचे हैं, लेकिन अभी जो टैली हम आपको दिखा रहे हैं उसके मुताबिक रुझान सारे सामने हैं और रुझान में 204 पर टीएमसी प्लस है और 86 पर बीजेपी है, लेफ्ट एक सीट पर है और अन्य के खाते में एक पश्चिम बंगाल की तस्वीर है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर भी आपको बता दें, ममता बनर्जी के करीबी हैं फिराद हकीम, उन्होंने बयान दिया है तीसरी बार बंगाल की सीएम बनेंगी ममता बनर्जी, एक कहा फिराद हकीम ने। बंगाल में बीजेपी फेल हो गई है ये भी डिक्लेयर कर दिया है फिराद हकीम ने। सबसे पहले इस पर जफर इस्लाम साहब आपकी प्रतिक्रिया, फेल हो गई है और तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, आप अभी इंतजार की बात कर रहे हैं कि अभी बहुत से राउंड बाकी हैं, लेकिन टीएमसी की तरफ से तो नतीजों पर अपनी फाइनल मोहर भी लगा दी गई। देखिए, मैंने कहा कि अभी इसको इतना जल्दी नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं ये कह रहा हूं कि जाहिर है कि अगर पार्टी टीएमसी जीतती है तो टीएमसी को डिसाइड करना है कि किसका उसका मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा, चाहे ममता बनर्जी हो या कोई भी हो, ये उनका आंतरिक मामला है। इसमें मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए कि कोई भी हो वो एक बार जीतते, अगर कोई पार्टी जीतती है तो उसको पूरा हक है किसको वो मुख्यमंत्री बनाती है। लेकिन अभी मैं ये जरूर कहूंगा कि शायद इस वक्त फिराद हकीम साहब का जो स्टेटमेंट है वो थोड़ा पहले है और थोड़ा उन्हें रुकना चाहिए, संयम बरतना चाहिए और साथ साथ मैं उनको ये भी हिदायत दूंगा कि ठीक है ममता बनर्जी बन जाए या कोई बन जाए, वो जो भी आप बताना चाहते हैं वो उनकी जो मंशा है, लेकिन कम से कम अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो लोगों की हालात उसको भी देख के और मंत्री बनने से मंत्री होते हुए जिस तरह के हालात में छोड़ा उस पर भी नजर रखनी चाहिए, जिसको हम ठीक करने के लिए वहां पर कमिटेड है। स्वर्णाली, बड़ी चुनौती क्या अब आपके सामने होगी? बीजेपी 3 से 86 तक पहुंची है अभी जो आंकड़े हम दिखा रहे हैं, कहां तक पहुंचेगी फाइनल नतीजों में वो फाइनल नतीजे सामने आ जाएंगे, लेकिन बीजेपी एक मुख्य विपक्ष के तौर पर मजबूती से टीएमसी के सामने खड़ी है और आपके लिए एक बड़ी चुनौती है अब आगे अगर आप सरकार बनाते हैं तो आगे जब काम करेंगे तो तमाम जो वादे आपने किए उस पर पूरा उतरना है, बीजेपी ने जो वादे किए थे उससे ज्यादा पूरा कर दिखाना है, तो ये तो बहुत बड़ी चुनौती है टीएमसी के सामने। बड़ी चुनौती नहीं है क्योंकि देखिए हम लोग की जो ममता बनर्जी है वो विकास के मार्ग से चलती है, विकास का बहुत सारा काम ये की थी
और ये ऐसे ही अपील की थी कि 10 साल का जो हम लोग काम किए थे उसके ऊपर ममता बनर्जी वोट मांगी थी जनता से, तो मोदी जी के जैसे नहीं मांगी थी कि हम 10 साल का काम करेंगे, आप हमको वोट दीजिए उसके बाद हम काम करेंगे। तो ममता बनर्जी का जो अपील था वो जनता के पास बहुत ज्यादा मायने रखता था, क्योंकि ममता बनर्जी कनेक्ट करती उनके साथ। और एक बात हम बोलना चाह रहे हैं कि पत्थर में नाम लिखो तो नाम मिट जाता है, लेकिन आप जो दिल में नाम लिखा होता है ना उसको आप नहीं पहुंच सकते। तो वे जो ममता बनर्जी है वो बंगाल के हर जनता के दिल में है। ठीक है, आपके मुताबिक 10 साल जो काम किया, 10 साल जो काम किया उस पर वोट मांग रही थी, उनके किए हुए विकास कार्यों की वजह से उन्हें इस तरह की बढ़त मिली है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।